देश भर में जहां कोरोना वायरस की आफत को लेकर गरीब तबका भूख से तिलमिला रहा है, वहीं मुंबई के ई रीजन के राशन की दुकान मोटी चमड़ी वाले लोग किस तरह से गरीबों का राशन मार रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। वहीं ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोगों ने इसकी शिकायत जो है वो रेशनिंग के अधिकारी से की और रेशनिंग के अधिकारी इन दुकान वालों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक किसी भी तरह की रेशनिंग अधिकारियों के तरफ से इन जमाखोरों के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। कितना दिए? 8 किलो चावल, 10 किलो 10 किलो गेहूं। मेरे अम्मी को बुला, हाउस कर थोड़ा गैप गैप करके खड़ो। कितना किलो तुमको दिया चावल? और 6 किलो और गेहूं। कितना दिया तुम किलो? कितना किलो गेहूं चावल दिए? 10 किलो गेहूं। 8 किलो दिए बोल रहे? कितना मिला? वो गलती किया उन्होंने, गलती किया, एक से गलती किया। एक मिनट, उसने दिया नहीं। कितने लोग से गलती किया? मेरी बात एक से उधर नहीं, आप बोलो, आप ट्रांजेक्शन चिट्ठी क्यों नहीं दिया, क्यों फाड़ के फेंका? अभी तक किसी को ट्रांजेक्शन चिट्ठी मिला? अभी यहाँ पे जितने लोग ट्रांजेक्शन किए, किसी को चिट्ठी दिया? ये ट्रांजेक्शन चिट्ठी लोग का डालो अभी, जिस जिसको जितना देते हैं। कम क्यों दिया राशन? कम क्यों दिया राशन? कम क्यों दिया? बराबर दिया ना। कितना किलो दिया? 6 किलो चावल, 9 किलो गेहूं। अच्छा, और उधर वजन में वे किया होगा? क्या किया होगा? देखा नहीं होगा। अच्छा ऐसा? हाँ, लेके आ रहा हूँ। कितने लोग को दिया? एक को वजन मिस्टेक होता ना। इधर इधर देखो, इधर एक से होता है।